PP 168 में इंतखाबी दंगल, पोलिंग का अमल जारी, नून और जनून आमने सामने। ज़िमनी इंतखाब में 11 उम्मीदवार मैदान में। तहरीके इंसाफ के मलिक असद खोकर और नून लीग के राणा खालिद कादरी के दरमियान कड़ा मुकाबला मतवके। लीगी मतवालों को जालों की हिमायत हासिल, कप्तान के खिलाड़ी भी सियासी मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में 83 पोलिंग स्टेशन कायम, 1,26,912 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में समंदर पार पाकिस्तानियों को भी वोट कास्ट करने की सहूलत, 4,677 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 16 पोलिंग स्टेशन हसास करार, पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात। सुबह सवेरे पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार, तहरीक इंसाफ और नून लीग ने पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप लगा लिए। दोनों जमातों की जानिब से वोटर्स को घरों से निकालने का सिलसिला जारी। सियाची मैच से कबल खिलाड़ी गर्मा गर्म नाश्ते से वार्म अप, आशियाना रोड पर तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ता, हलवा पूरी और नान चने से तवाजो। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, फवाद हसन फवाद और राहत चीमा एहतसाब अदालत में पेश, तफ्तीशी अफसर के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। मुलजिम का रिमांड हासिल करना हो तो नैब की पूरी टीम अदालत में पहुंची होती है। बंदे को 90 रोज जिस्मानी रिमांड में रखा, रेफरेंस दायर करना हो तो ढीले बन जाते हैं। अदालत के रिमार्क्स, फवाद हसन फवाद का अभी तक रेफरेंस फाइल क्यों नहीं किया, अदालत का इस्तफसार। तफ्तीशी अफसर डायरेक्टर विंग को शोकस नोटिस जारी। हाई कोर्ट बार का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों के लाइसेंस मंसूख करने का हुक्म, ओवर स्पीड करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस अलकबर कुरैशी के रिमार्क्स, चीफ एग्जीक्यूटिव सेफ सिटी प्रोजेक्ट से अमल दरामद रिपोर्ट 17 दिसंबर तक तलब। हाई कोर्ट ने अजहर सदीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर अहकाम जारी किए। वज़ीर आला पंजाब से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर अमानुल्लाह की मुलाकात, वकला बरादरी के मसाइल के हल के हवाले से तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार का कहना है कि कानून की अमल दरामदी यकीनी बनाने के लिए वकला बरादरी का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। गवर्नर हाउस को हाईकोर्ट का सेकेंड कैंपस बनाने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत, अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत के वकला को हुकूमत से हिदायत लेने के लिए 20 दिसंबर तक मोहलत। वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी, पब्लिक प्रॉपर्टी अमानत है, आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल हो सकती है, दरख्वास्त गुजार। लाहौर के गिर्दोनवा में सुबह सवेरे धुंध के डेरे, कराची से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। अवाम एक्सप्रेस 1 घंटा 15 मिनट ताखीर से पहुंची, कराची एक्सप्रेस 40 मिनट, अलामा इकबाल एक्सप्रेस 45 मिनट ताखीर का शिकार। शालीमार एक्सप्रेस, क्राक्रम एक्सप्रेस और बिजनेस एक्सप्रेस, अकबर एक्सप्रेस और जाफर एक्सप्रेस भी देर से पहुंची।